नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक सिर्फ तीन बोल पे ढोलक बजाना सिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों आज जो है बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ ढोलक का वीडियो। आप लोगों को पता भी होगा कि क्या कारण थे जिससे मैं नहीं लेके आ पा रही थी। तो आप लोगों का प्यार, एक महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, तब भी आप लोगों का प्यार वही था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग प्यार बनाए रहे हैं मेरे वीडियो पे। तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप लोग के हर दिन कमेंट आते रहे मेरे वीडियो पे, वो भी बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने जिन्होंने कमेंट किया मेरे वीडियो पे, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ये भी पूछा कि मैम कि वीडियो के बारे में ही पूछा, जो भी मैं आप लोग को सिखाई थी, जिस जिस पे कमेंट किया आप लोगों ने कि ये थाप कैसे है, ये थाप कैसे लगाएं और ताल कैसे बजाएं। अभी एक लोग का कमेंट ये भी आया था कि मैम हम ओम जय जगदीश पे ढोलक कैसे बजाएं, तो वो भी मैं आप लोग को बजा के सिखाऊंगी। बस आप लोग को मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये चीज़ आप लोग को जरूर, आप इसको जरूर समझिएगा कि आप लोग कभी ये इस चीज़ से हताश मत हुआ करिए कि मुझे ढोलक बजाने नहीं आएगा। आप लोग को जरूर आएगा दोस्त, क्योंकि ये चीज़ आप लोग के अंदर, ये चीज़ अगर है ना कि सीखने की ललक है, तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। ठीक, तो अगर आपके अंदर ये चीज़ आ चुका है तो आपको जरूर आएगा ढोलक। बट आप क्या करते हो कि आप तुरंत लाने की, जैसे होता ना कि मैं जैसे कोई काम हुआ उसको करके ख़त्म किया, तो वैसे आप सोचते हो उसी तरीके से मुझे ढोलक बजाने आ जाए, तो वो नहीं अभी आएगा। थोड़ा सा समय लगता है, हर कोई भी काम अगर हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, आपको आएगा जरूर। आज जो मैं आप लोग के लिए लेसन लेके आई हूँ गाइज, वो बहुत ही अच्छा है, आप इसे ज़रूर सीखिएगा। आपको बिल्कुल, अगर ये आप देख लिए इसको बजाते कि आपको बजाना कैसे है, आपकी काउंटिंग इतनी अच्छी है कि आपकी सेम काउंटिंग चलाना आपको हैंड पे, तो आपको जरूर आएगा। ठीक है, बस आप ये इस चीज़ को, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए मैं अब आप लोग को ढोलक बजाना सिखाती हूँ, और कैसे बजाना है और कैसे फिंगर को चलाना है, कैसे हैंड को चलाना है, आज मैं आप लोग को पूरा बताऊंगी। ठीक है, आइए मैं आपको बताती हूँ। अब आपको करना क्या है, पहले आपकी काउंटिंग केवल तीन ही रहेगी, दोनों हैंड पे आपको थ्री काउंटिंग ही मारना है, और थ्री के बाद आपका फोर फाइव काउंटिंग चलाना है। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, आपकी थ्री काउंटिंग ये हुई, और थ्री काउंटिंग आपको इस पे भी मारना है, थ्री के बाद वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। फोर जो आपका, तीन जो आपका गिरेगा वो थोड़ा आपका जल्दी गिरेगा, और फोर जो है, फोर काउंटिंग भी वहीं पे गिरेगी और आपका इंडेक्स फिंगर फाइव पे गिरेगा, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, सॉरी इंडेक्स फिंगर आपका फोर पे गिरेगा और फाइव पे आपका ग्रुप फिंगर गिरेगा, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फोर आपका थोड़ा नीचे, फाइव आपका वहीं जहां आपका ग्रुप फिंगर तीनों गिर रहा है, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत जल्द आएगा ढोलक बजाने। ये चीज मैं आपको बार बार क्यों बताती हूँ, क्योंकि आप लोग के जब कमेंट आते हैं ना कि मैम आपकी तरह हैंड नहीं चल रहे हैं, और मैम नहीं बजा पा रहा हूँ, मेरे फिंगर नहीं चल रहे हैं आपकी तरह, तो ऐसा नहीं है, सबके पास भगवान ने वही हैंड दिया है, वही फिंगर दिया है, तो अगर मैं बजा ले रही हूँ तो आपको भी आएगा। ठीक है, तो आइए आप जरूर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है गाइज, आप लोग जरूर इस पर ध्यान दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव,
आपका थोड़ा नीचे, फाइव आपका गुरु फिंगर है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री 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 फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये आपका ऐसे ही आपको गिराना। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको फास्ट कैसे करना, तो आपको फास्ट करना है वन टू थ्री फोर फाइव, 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 वन टू थ्री फोर फाइव। फोर पे आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आपका इंडेक्स फिंगर ही गिर रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, 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 ये आपके गिर रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। अब आप सोचेंगे कि आप केवल थ्री काउंटिंग में ही ढोलक को कंप्लीट कैसे करेंगे, तो आपका जो मैं बेस बताई हूँ अभी, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये भी आपके गिरेंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू आपका थोड़ा जल्दी में रहेगा, थ्री आपका जैसे गिरता है वैसे गिरेगा, वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री। आप लय जो है, जो जिस लय में मैं आपको बता रही हूँ, जिस लय में आपको बोल मैं बता रही हूँ, वही लय आप रखिएगा बिल्कुल, ठीक है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, बजाने आ जाएगा तो आपके दो धुन हैं आपके यही निकलेंगे, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव, 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 ये आपकी काउंटिंग है। आप बिल्कुल ऐसे बजाएगा, आपको जरूर आएगा, आप बिल्कुल ये चीज मत सोचिएगा कि आपको नहीं आएगा, देखिए आप कोशिश करिए, ठीक है। जैसे होता ना कि कोई कोई लोग क्या करते हैं कि आप तुरंत के, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल जल्दबाजी तो बिल्कुल मत करिए, आपकी जो काउंटिंग बेस वाली काउंटिंग है मैं आपको बता दूं यही है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, आपको ऐसे ही बजाना है। उसके बाद आपकी जो थ्री काउंटिंग जो है, आपके दोनों हैंड एक साथ ही चलेंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फोर फाइव पे आपकी ये हैंड नहीं गिरेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, 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 ये आपके ऐसे ही बजेंगे। जब आपके, जब आपको आ जाते हैं तो आपके यही धुन निकलेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये गाने पे कैसे उठेंगे और कैसे बजेंगे, तो जरूर आपके उठेंगे। जैसे एक गाना मैं आपको बताती भी हूँ, देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी होता है कि मैम क्या हम लय को बजाते बजाते, ताल को बजाते बजाते ढोलक को उठाएं, या गाने के, या गाना गाते समय भी उठाएं? तो आपके दोनों क्वेश्चन सही हैं, आप किसी तरीके से उठा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं गाना शुरू कर दी हूँ, के करे यहाँ हवन सखी बाजे बधैया, के करे यहाँ हवन सखी बाजे बधैया।
के समय मैं ताल को उठा के बताई हूँ। अब क्या है, मैं आपको बताऊंगी कि गाना ताल को बजा के उसके बाद मैं गाने को उठाऊंगी, तब आप देखिए कैसे उठता है, ठीक है। गाने को गा के उठाएं, चाहे आप गाना ढोलक को बजा के तब गाना उठाएं, बात तो एक ही है, बट आपको बजाने आना चाहिए कि कैसे आपको उठाना है। आज का वीडियो बस इतना ही है, मैं एक नए वीडियो के साथ आऊंगी। और हाँ, अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तो मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ बस आप लोग के लिए ही, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा सब लोग का कमेंट आ चुका कि मैम आप कहाँ हो, कब लेके आओगे वीडियो। तो आज मैं अब मैं फ्री हो चुकी हूँ पूरा आप लोगों के लिए, मैं रोज़ लेके दो एक वीडियो में कोशिश करूँगी, दो वीडियो मैं आप लोग को रोज दूँ तो मैं ज़रूर दूँगी। और अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं गाइज, आप लोग ज़रूर देखिए मेरे चैनल को। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मैं अब एक नए वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, लव यू।